यूपी टाइम्स न्यूज, खबर आपकी, भरोसा आपका। मैं हूं आपके साथ मोहम्मद नसीम और आप देख रहे हैं यूपी टाइम्स न्यूज। खबर बॉलीवुड से है। अक्षय कुमार की फिल्म सम्राट पृथ्वीराज की जब से घोषणा की गई है तभी से ये चर्चाओं में बनी है। फिल्म का ट्रेलर रिलीज होने के बाद ये फिल्म अलग अलग कारणों से विवादों में घिरती रही है। अब रिलीज से पहले इस फिल्म को ओमान और कुवैत में बैन कर दिया गया है। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो फिल्म को ओमान और कुवैत में बैन कर दिया गया है, हालांकि इसके कारणों का अभी तक पता नहीं चल सका है। न्यूज रिपोर्ट्स के अनुसार फिल्म को ओमान और कुवैत में बैन किए जाने की खबरें तो आ रही हैं, लेकिन अभी तक इसका कोई ऑफिशियल कंफर्मेशन नहीं हुआ है। फिल्म की टीम ने अभी तक इस बारे में कोई जानकारी नहीं दी है। भारत के आखिरी हिंदू सम्राट कहे जाने वाले पृथ्वीराज चौहान की जिंदगी पर बनी ये फिल्म 3 जून को रिलीज होगी। फिल्म में अक्षय कुमार लीड रोल में नजर आने वाले हैं, जबकि पूर्व मिस वर्ल्ड मानुषी छिल्लर इससे अपना बॉलीवुड डेब्यू कर रहे हैं। फिलहाल इस खबर में इतना ही। अन्य खबरों एवं जानकारी के लिए सब्सक्राइब करें यूपी टाइम्स न्यूज, और लगातार खबरें पढ़ना चाहते हैं तो विजिट करिए www.uptimesnews.in पर।